नगर परिषद लांजी सीएमओ की कार्यप्रणाली से पार्षदों में असंतोष, तत्काल पद से हटाने अध्यक्ष एवं एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। लांजी मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजीव लोचन कटारे की कार्यप्रणाली को लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद से तत्काल हटाए जाने के संबंध में आज नगर परिषद लांजी में आयोजित सामान्य सभा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद बीच बैठक से सीएमओ राजीव लोचन कटारे से बीच बैठक से उठकर चले गए, जिसके बाद बैठक में अध्यक्ष की मौजूदगी में नगर के सभी वार्ड पार्षदों द्वारा निंदा प्रस्ताव लिया गया और नगर परिषद अध्यक्ष और एसडीएम लांजी को सीएमओ राजीव लोचन कटारे को तत्काल पद से हटाए जाने हेतु ज्ञापन सौंपा। पार्षदों ने अपने सौंपे ज्ञापन में उल्लेख किया है कि मुख्य नगर परिषद अधिकारी द्वारा प्रतिमाह समय पर परिषद की सामान्य सभा एवं पीआईसी की भी बैठक नहीं बुलाई जाती। वार्ड क्रमांक 1 से लेकर 15 तक विद्युत विस्तारीकरण के कार्य के लिए विगत 7 माह परिषद की सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित हो चुका है एवं विद्युत विभाग द्वारा सर्वे किया जाकर व्यय लेखा नगर परिषद लांजी को प्रस्तुत कर दिया गया है, किंतु आज दिनांक तक मुख्य नगर परिषद अधिकारी द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है। परिषद के सदस्यों द्वारा पत्र लिखकर जानकारी मांगी जाने के बाद भी मुख्य सर पालिका अधिकारी द्वारा जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाती, जिसके परिषद सदस्यों के अधिकारियों का हनन किया जा रहा है तथा जानकारी मांगे आने पर संतोषप्रद जवाब न देते हुए गलत भाषा शैली का उपयोग किया गया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा माह में 10 से 15 दिन कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते, जिससे नगर की आम जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता, जिसके चलते शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पाता एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी का कार्यालय में नहीं होने के कारण कार्यालयीन कर्मचारी कार्य दिवसीय में उपस्थित नहीं होते हैं, जिस कारण आम जनता अपनी छोटी छोटी समस्याओं के निराकरण के लिए नगर परिषद के चक्कर काटते रहते हैं। लगभग एक वर्ष से किसी भी नगर विकास के कार्यों का तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति नहीं हो पाई, जिसके चलते नगर विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा सभापति एवं पार्षदों के वार्ड विकास एवं नगर विकास के संबंधित कार्यों में रुचि न लिया जाकर नगर की मूलभूत समस्या एवं स्वच्छता पर ध्यान न दिया जाए कर ऐसे कार्य जहां वह स्व आर्थिक लाभ हो ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा नगर परिषद के विभिन्न कार्यों में किए गए भुगतान की जानकारी एवं कार्य प्रगति की जानकारी से सामान्य सभा एवं पीआईसी के अवलोकन नहीं कराया जाता। मुख्य नगर पालिका अधिकारी लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं, फिर भी अपने गृह निवास आने जाने के लिए अपने स्वयं के चार पहिया वाहन में ईंधन पेट्रोल नगर परिषद से डलवाया जाता है, जिसका व्यय भार नगर परिषद पर पड़ता है। पार्षदों ने इस तरह के आरोप लगाते हुए सीएमओ राजीव लोचन कटारे को तत्काल पद से हटाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नगर परिषद उपाध्यक्ष संदीप रामटेकर, पार्षदों में दिनेश कछवाहे, संजय सयाम, कस्तूराबाई वरकड़े, तेजेश्वरी गोंदुले, प्रेमलता खुबरागड़े, पूनम आसाटकर, सौरभ मोनू पसीने, कल्पना डोलस, शिखा गोस्वामी, मुकेश रणदीवे मौजूद रहे। बताओ किस संबंध में ज्ञापन सौंपे आज? जो आज 9 फरवरी 2024 को नगर परिषद की सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया था और उस बैठक में सीएमओ महोदय की जो कार्यप्रणाली है उस कार्यप्रणाली को देखते हुए 11 पार्षद साथियों के साथ मिलकर निंदा प्रस्ताव हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे अध्यक्ष महोदय ने स्वीकृत नहीं किया है और उस प्रस्ताव को हमने आवक जावक शाखा में दे दिया है नगर परिषद में। उसके पश्चात उसी प्रस्ताव की कॉपी लेकर हम एसडीएम साहब के सामने ज्ञापन देने आए थे कि उस पर उचित कुछ कार्रवाई करवाए। कौन सीएमओ? कौन है कभी सीएमओ? श्री राजीव लोचन कटारे हैं। और दरअसल होता यह है कि जब 11 पार्षदों ने अपनी सहमति दी है तो सहमति के आधार पर लेखापाल को भी प्रस्ताव को दर्ज करना होता है, क्योंकि सर्वसम्मति से हमने प्रस्ताव लाया है। प्रस्ताव में किन बिंदुओं को लेकर प्रस्ताव लिया गया? प्रस्ताव में हमारे 8 बिंदु है जो पूर्णतः मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री राजीव लोचन कटारे जी के कार्यप्रणाली को ही चिन्हांकित करते हैं। बताइए आप, आज परिषद की सामान्य सभा की बैठक नगर परिषद भवन में आहूत की गई थी, जिसमें हम सभी 11 पार्षदों ने सर्वसम्मति से सीएमओ की कार्यप्रणाली के खिलाफ, जो कार्यप्रणाली जनहित में नहीं है, जैसे कि अब मेरे छोटे छोटे काम की नहीं वार्डों के, उन पर उनका कोई ध्यान नहीं, लगातार पार्षदों का पार्षद अपने पत्राचार के माध्यम से उनका ध्यान आकर्षण कराते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी काम में रुचि नहीं दिखा रहे हैं और
जनहित के काम यहाँ पर पार्षदों को से के माध्यम से होना बहुत ही हम लोगों को इनके रहते हुए बहुत ही मुश्किल लग रहा है। इसलिए हम शासन से मांग करते हैं कि चूंकि 11 पार्षद हमारे सब सर्वसम्मति से सभी लोगों ने यह प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय को सौंपा था, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने इसे लिपिबद्ध करने के लिए प्रोसीडिंग में लेने से मना कर दिया। आपका परिचय? मैं दिनेश कछुआ है, पार्षद वार्ड नंबर 14। क्या बताना चाह रहे हैं? किस समस्या? नगर परिषद बने में लगभग 1.5 वर्ष हो गए पूरा, और यहाँ पे सीएमओ श्री राजीव लोचन कटारे जी पदस्थ थे, उनके द्वारा किसी भी वार्ड या नगर के विकास से संबंधित कोई ऐसी रुचि दिखाई नहीं दे रही थी। सिर्फ दिन भर ऑफिस में बैठना, पार्षद लोग कुछ समस्या लेके जाए तो ठीक है देख लेंगे, और कुछ बात रही तो देखेंगे करेंगे। कभी उन्होंने इस ऑफिस से बैठ के ये बाहर नगर में कभी नहीं घूमे हैं। आज की तारीख में तो उसको नगर के पूरा वार्ड नहीं पता होगा, और यहाँ तक तो मैं कहना चाहता हूँ कि उसको नगर परिषद के पूरे कब्रों में भी नहीं पहुँचा होगा। परिषद की बैठक भी नहीं होती है, पीआईसी की भी बैठक नहीं होती है। तो सीएमओ आपका स्थानांतरण होना चाहिए। अच्छा, सीएमओ साहब यहाँ से रहने के लायक है नहीं, यहाँ तक कि जब वो यहाँ रहते हैं महीना में 10 से 12 दिन तो अपने गांव में बिताते हैं।